everyone, and welcome to Tariq. In today's episode, we will be discussing the next instances mentioned in the book, Episodes in the Life of Akbar, authored by an eminent historian, Professor Shireen Mousavi. So, ye baat 1551 ki hai, jis dauran Akbar must have been about 7 or 8 years old. So, he used to get his education from Mullah Zada, who was the son of Mullah Husamuddin. Now, at that time, Mullah Husamuddin was the greatest scholar. He was an unrivaled scholarly teacher during that time in Samarkand. So they were waiting in the enclosure of Hamida Banu Begum when Munim Beg, who was an army general to Humayun, and later on he also served under Akbar, he, after having greeted the emperor, he also greeted Prince Akbar. During us waqt, अकबर ने अपने फॉस्टर ब्रदर आदम खान को बोला कि वो मुनीम बेग को बोले कि आज उनकी जो लेसन्स हैं उनको हम कैंसिल करवा दें, क्योंकि अकबर वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ स्कॉलरली लर्निंग. ही वॉज मोर आई मीन नो किड हु इज 7 or 8 इज इन एनी केस, एंड अकबर वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग अकेडमिक एजुकेशन. सो अ रिक्वेस्ट वॉज मेड टू मुनीम बेग to further request his teacher, Akbar's teacher, to cancel the class today. Now, because Munim Beg was such a respectful and authoritative figure, not only during Humayun's time, but also later during Akbar's time, his word was, you know, aise jhat se maan lete the, by servants also, by soldiers also, by other officers also. So when Mullah Zada got this request from Munim Beg, he also complied. एंड अकबर को छुट्टी दे दी गई एंड वो जाके अपना खेल कूद में बिजी हो गए. सो हुमायूं गेट्स टू नो ऑफ दिस एंड ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद अकबर मिसिंग हिज लेसन्स. सो द नेक्स्ट डे इन द प्रेजेंस ऑफ मुनीम बेग, अकबर इज कॉल्ड टू हैव एन ऑडियंस विद हिज फादर, एंड हिज फादर सेज, यू नो, यस्टरडे यू आस्क्ड हाजी मोहम्मद सुल्तान टू एक्सक्यूज योर क्लासेस एंड दिस शुड नॉट बी रिपीटेड. So please go and focus on your classes. You cannot, मतलब वो आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो, lessons तो आपको लेनी पड़ेगी. So Akbar goes for his classes, and then behind Akbar, Humayun, like a typical Punjabi dad. I feel that. It's just Punjabi. He says to Munim Beg, देखो, I know it was you who asked in Akbar's stead to have his lessons cancelled, but I did not disclose this information because कल मेरे बाद तो उसने ही बनना है emperor, and ये ना हो कि इस छोटी सी बात का वो दुश्मनी तुमसे निकाल ले. हाजी मोहम्मद सुल्तान ऑन दी अदर हैंड, वो बंदा ठीक नहीं है, ही इज़ अ डिसकर्टियस फेलो. सो इफ़ अकबर टेक्स हिज रिवेंज ऑन हिम, ही that guy had it coming. So तुम ठीक रहो, कोई बात नहीं. So in this glimpse, actually, we think it's more Humayun is more of a hero in this instance, because it shows how he is tackling with a young Akbar who does not want to concentrate on his studies, but at the same time he has this humor about him to save his cherished officer from the wrath of his son in the future, in case there is anything. तो लेसन्स में पेंटिंग्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स. अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स. ये जो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है जब हुमायूं वॉज सेंट ऑन एन एग्जाइल टू पर्शिया, बिकॉज वो शेरशाह सूरी से हार गए थे, एंड वो पर्शिया में ऑलमोस्ट लाइक 15 ईयर्स ही वॉज देयर इन पर्शिया विद हिज वाइफ, विद हिज कॉन्सोर्ट हमीदा बानो बेगम. एंड ये उसी टाइम का पीरियड है जब अकबर भी बीच बीच में कभी अब किसी अपने चाचा के पास होते थे या किसी बुआ के पास होते थे, एंड इवन ही वॉज विद हुमायूं एट दैट टाइम. तो जब हुमायूं काबुल आए, तो वहाँ पर उनके साथ इम्पॉर्टेंट पेंटर्स एंड आर्किटेक्ट्स फ्रॉम पर्शिया भी आए, एंड दे ऑल्सो यू नो अकम्पनीड हिम व्हेन हुमायूं रीच्ड इंडिया इन 1554-55 ईयर्स. तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेंटर थे उस टाइम के, अब ख्वाजा अब्दुल समद, एंड ही वॉज ऑल्सो यू नो ही हैड हेल्प्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूं टूम लेटर इन द लेटर पीरियड.
तो जो ये ख्वाजा अब्दुल समद थे ये अकबर को पेंटिंग सिखाते थे, और ये जो इंस्टेंस है ये अकबर ने खुद नरेट किया है, एंड इट वॉज ऑल्सो मैंशन इन तुज़ुक जहांगीरी जो कि अकबर के ही बेटे जहांगीर ने लिखी थी। तो एक बार अकबर वॉज पेंटिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ ख्वाजा अब्दुल समद, एंड अब्दुल समद देखते हैं कि ही इज़ क्रिएटिंग अ फॉर्म विद इट्स यू नो पार्ट्स ऑफ द बॉडीज वर यू नो स्कैटर्ड फ्रॉम ईच अदर। सो ही आस्क्ड अकबर कि ये क्या आप पेंट कर रहे हैं, तो अकबर कहते हैं कि ये हेमू की तस्वीर है। सो हेमू वॉज अ वज़ीर इन द सुर डायनेस्टी। शेरशाह सूरी जो हैं जब उनके बेटे तख्त पर आए इस्लाम शाह, उस टाइम पर जो हेमू थे, हेमू वॉज जस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द मार्केट, बट स्लोली एंड स्टेडली ही रोज अप इन द हायरार्की, एंड बाय द टाइम शेरशाह सूरीज़ नेव्यू ही टुक चार्ज ऑफ द एम्पायर, हिज नेम वॉज मोहम्मद आदिल शाह। Then at that time he appointed Hemu as his wazir and also gave him a title of Vikramjeet. Also he was given this title because उन्होंने जो 22 wars जीते थे उस time पर, कोई हारे नहीं थे। It was only जब बाद में पानीपत की जंग हुई थी, जो second war of पानीपत था 1556 के time पर, then he lost the war against Akbar. तो यहाँ पे व्हेन वी लुक एट अकबर्स इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पेंटिंग्स, हमको ये पता चलता है कि इन द लेट अकबर वाज यू नो इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस सिंस हिज यू नो डेज व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, एंड इन द लेटर पीरियड व्हेन ही बिकम्स द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान ही पुट्स इट टू यूज, ही क्रिएट्स कारखानाज, ही पेट्रोनाइजेस पेंटर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट कल्चर, एंड यू नो ही आस्क्स देम टू पेंट एंड पेंट मिनिएचर्स एंड यू नो एंड कारखाने थे वेर ही वुड गो एंड यू नो लुक एट हाउ इट वॉज इवॉल्विंग। सो कहीं ना कहीं हम जब मुग़ल पेंटिंग्स की बात करते हैं तो उसका जो श्रेय है या उसकी जो मतलब जो उस आर्ट फॉर्म को इम्पोर्टेंस अकबर ने ही दी थी, बिकॉज शुरुआत ही इनसे हुई थी, एंड ऑब्वियसली बिकॉज अकबर वॉज द वन हु हैड कंसोलिडेटेड द एम्पायर। आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी फैसिनेटिंग टू सी दैट चिल्ड्रन in themselves are very perceptive beings, and to have records of an emperor who was arguably the most cherished emperor in the subcontinent, to have accounts of him as a child and to see his thinking, matlab a young child is perceptive enough to understand that Hemu is somebody that he wants to get rid of. Yeah, because he was seeing what his father Humayun was going through, what his mother was going through, the pains they were going through, the troubles they were going through, because they were on exile and they took refuge in the court of Shah of Persia at that time. So obviously bacha hai, bacche ko sab samajh aata hai, you know, that is what we get to know through these instances. I hope that you have liked today's episode. Please like, share and subscribe, and keep watching Tariq.